At 25 degree Celsius and 760 mmHg, pressure, a gas occupies 600 ml volume. Temperature है 25 degree Celsius मतलब 298 Kelvin. Pressure है 760 mmHg और वॉल्यूम है कितना 600 ml. वॉट विल बी इट्स प्रेशर एट अ हाइट वेयर द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस. मतलब पहले 298 था, अब प्रेशर कितना हो गया है 10 डिग्री सेल्सियस. मतलब कितना कैल्विन? 283 कैल्विन. वॉल्यूम अब कितना हो गया गैस का? 640 ml. हमें क्या बताना है कि प्रेशर कितना हुआ है. वी हैव टू कैलकुलेट पी टू. सो अगेन हमें पता है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. आर कॉन्स्टेंट, मोल्स कॉन्स्टेंट, यानी पी वी अपॉन टी जो है वो कॉन्स्टेंट है. सो वी कैन राइट पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू. ठीक है, पी वन वी वन अपॉन टी वन टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू. हमें P2 निकालना है, तो P2 निकालेंगे तो बनेगा इक्वेशन P1 V1 वी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू अपॉन में V2. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. P1 दिया है 760. मैं ATM में चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो आंसर गिवन है वो हमें MHG में दिए हुए हैं, तो इट्स बेटर हम MHG में ही रखें. 760, वॉल्यूम है 600, टी वन है हमारे पास 298, ठीक है, V2 है 640 और जो टेम्परेचर है वो है 283. ये आ जाएगा हमारे पास क्या? P2. इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 676 के आसपास. ठीक है, P2 हम जब कैलकुलेट करेंगे फाइनल तो आएगा 676 के अप्रॉक्स, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन रखा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करिए एंड देन उसको बस सॉल्व करना है. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑल राइट, यही था लास्ट क्वेश्चन आज की डीपीपी का. सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा. मिलते हैं हम नेक्स्ट डीपीपी डिस्कशन में. थैंक यू.